KTM शोरूम में अपनी कावासाकी को घुसाते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन। मैं इधर इसको टल्लाम तोड़ देंगे, मैं अंदर बाइक रखूंगा साइड में। ये कौन सा कानून है? पहले बाइक उतनी ब्रूटल नहीं थी, अब पूरी ब्रूटल हो चुकी है। टाइम बाइक का वेट करना होता है जब तक 2 साल जो आएंगे टेम्परेचर की, तब तक बाइक को ना रेव करना चाहिए ना ही इसको चलाना चाहिए, क्योंकि इसका मेन रीजन है इसके इंजन तक हर एक जगह तक ऑयल आएगा, अच्छे से हीट अप हो जाएगी, देन उसके बाद हम इसको भगा सकते हैं। फिलहाल के लिए 2 साल आ चुकी है, अभी निकलते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। इस वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल था ही नहीं, XP95 बोल रहा है मशीन रुक रही है, मशीन रुक रही है, तो मैंने वेट नहीं कर सकता हूँ ना। फिलहाल मैं निकला भी करानगर की तरफ, करानगर पेट्रोल पंप पे करता आते हैं फुल अप। जब से मैंने जीना उस लाई है ना, सच बता रहा हूँ भाई, खतरनाक नींद आती है रात में। क्रेजी वाले रिएक्शन ना अंकल जी के मिलते हैं, बाकी किसी के नहीं मिलते हैं। हमें डालना है XP95 जो कि बहुत ही महंगा है, 111 रुपए 110 रुपए। फिलहाल के लिए अभी हम मिल चुके हैं, अभी हम निकले अपने रास्ते की तरफ। कैन फ्यूल अभी हमने करवाया। यस धूप खतरनाक है, धूप से बंदा ना पूरा झूल जाता है। रिएक्शन क्रेजी रिएक्शन। अबे कोई लुढ़क जाएगा तो फिर रैव करूंगा। आज खतरनाक सा सीन होने वाला है, जबरदस्त लेवल का। KTM शोरूम में अपनी कावासाकी को घुसाते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन। भाई दुश्मनी होगी दुश्मनी, आप लोगों को पता है KTM और कावासाकी का कितना आपस में ना भाई खतरनाक एग्रेसिवनेस है भाई, पूरा एक दूसरे के मारने पे तुले है। वो बोलता है मेरी बाइक अच्छी है, बोलता है मेरी। आज देखेंगे रिएक्शन, और जैसे ही अंदर जाएंगे उनको बोलेंगे हमारी कावासाकी की सर्विस करवा दो प्लीज, वहां पर भी उनका रिएक्शन देखते हैं क्या खतरनाक होगा। वैसे वीडियो में मजा होने वाला है, वीडियो को फुल देखना। यहाँ तक देख रहे हो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। पहले बाइक उतनी ब्रूटल नहीं थी, अब पूरी ब्रूटल हो चुकी है, क्योंकि इसकी टेल आईडी जब लगाई ना हमने, इसका जो पूरा सा वो पीछे धूम होता है ना, वो पूरा धूम हमने निकालना पड़ा। अब इसकी जो लेवल है ना वो पूरी खतरनाक बन चुकी है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से उतर गया ना तो मेरा एम ऑयल फिल्टर ना टूट जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी हाइट नहीं है, इसको हमें यहाँ से उतारना पड़ेगा। मैं 3 वर्ड्स बताऊंगा, मजा मजा और मजा भाई साहब, और मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। मेरे को रास्ता नहीं पता था ना KTM का, पहली बार जा रहा हूँ। बड़ा पारिवारिक माहौल है, कहाँ से? नहीं इधर इसको टल्लाम तोड़ देंगे। हाँ मेरे को टेंशन नहीं है, खुला इसमें क्या है, मैं अंदर बाइक रखूंगा साइड में। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून है, ये किसने बोला है, किसने बोल के रखा है? मैं साइड में रखूंगा बाइक को, कुछ तोड़ेंगे सेफ्टी के लिए साइड में रखूंगा। हो गया कुछ? खुदा की कसम तू डायलॉग क्या बोल रहा है? कितनी सारी बाइक से देख सकते हो, एंड स्टिल ये देखो हमारा खतरनाक, इसका देखो लुक क्या लग रहा है इसका, सब बाइक्स में अलग निकल रहा है। यहाँ से देखो कितनी सारी है, ये देखो भाई कुछ अलग चीज़ है। थैंक यू सो मच, इस भैया ने मेरे को फ्री में करके दिया चेन लूप चेन क्लीन, थैंक यू सो मच। और यार ये कैमरा क्या है, थोड़ा एक चीज जिसको भी अब सुपर बाइक होगी सब भाई वो यहाँ पे आ सकता है। KTM श्रीनगर देख सकते हो, एंड इस वाले भैया के पास चेन लूप चेन क्लीन करवाना फ्री में, लेकिन इसको चाय देना इसको बस जरूर। ये देख सकते हो पूरा क्लीन हो चुका है,
बाकी अपनी बाइक के क्या कहने, ब्रूटल। एक और दूसरा काम भी हो चुका है, इस वाली भैया ने मेरी बाइक साफ कर दी। सच्ची बता रहा हूँ, कितने सही बंदे हैं KTM वालों ने। कवासाकी का जो मैं बोल रहा था ना भाई, कि दुश्मनी आपस में, वो दुश्मनी है, लड़ते झगड़ते, बट भाई सची में कश्मीर के लोग ना फ्रेंडली है, तो बाइक भी साफ कर दी। थैंक यू सो मच। अब पूरी खतरनाक हो चुकी है, देख सकते हो। फाइनली कंडीशन देख सकते हो, बाइक की पूरी चकाचक हो चुकी है, पूरा साफ कर दिया इन बेचारों ने। KTM श्रीनगर सोचा नहीं था कावासाकी को साफ करेंगे, इनका जो अपोजिट रिएक्शन मिला, थैंक यू सो मच, बहुत सही, बहुत फ्रेंडली है। फिलहाल के लिए भी करते हैं हम जल्दी से कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि हमने इसको साफ किया। निकलते हैं, फोन को हमने कर दिया अच्छे से बंद। अभी मैं सर्विस करते करते इसको देख रहा था, तो फिर मेरे को एक ध्यान पड़ गया एक चीज की तरफ। मैंने जैसे इसका पीछे वाला ब्रेक शू देखा, ब्रेक शू खत्म हो चुके हैं दोनों। थोड़ा सा करना पड़ता है। आगे चल मेरे भाई, पीछे से कहाँ रहता है दाना पानी, सही में बिरयानी खिलाएगा। अभी पहले एक काम करते है, पहले चलते कुछ खाने, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई ये कौन सा खोपचा है, शिट भाई, बाइक नीचे लग गई, दिल पे लगता है टक हो गया, बाइक नीचे लग गई, खुदा कसम। ओए एमोइल फिल्टर नहीं लग गया, जो इसके नीचे है ना हेडर, इसके मैं हेडर भी चेंज करवाता हूँ थोड़ा सा। ये बैंड पाइप है यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि यहाँ से कोई पत्थर आता है इस पे लग जाता है, वो मेरे को दिल को लगता है। रिएक्शन क्या था वहाँ के लोगों का, खतरनाक था ना, ये कौन सी बवाल चीज घुस रही है। तो भी जस्ट बिरयानी आ चुकी है भाई, शक्ल से पूरी हालत खराब हो गई, शक्ल से लग ही नहीं रहे हम भाई, हम इंसान है, हाइवन लग रहे हैं भाई। तो जिसको बताया उसको बताया आई लव बिरयानी, आपको पसंद है ये बिरयानी, मुगल दरबार की स्पेशली बहुत होती है, अच्छी बहुत अच्छी होती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू आई लव बिरयानी। हेलो गाइस आई लव बिरयानी। ये देखो इसको क्या हो गया बेचारे का, ये पूरा इसके अंदर देखो, आधा हिस्सा तो इसका अंदर चला गया है, तो आधा ही रह गया, आधा जो इतना भी था वो काम खत्म, रेस्ट इन पीस।